बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आ रहा हूँ कराची। 26 जून से लेकर 30 जून तक मेरा क्याम होगा रीजेंट प्लाजा होटल एंड कन्वेंशन सेंटर शारा फैसल में। एस्ट्रोलॉजी ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई करती है, हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। अब अपने हवाले से इल्म नजूम यानी एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में कुछ भी जानना चाहें, क्या होगा आपका करियर, फ्यूचर, प्यार, मोहब्बत, शादी, फाइनेंस, औलाद का सुख और आने वाली ज़िंदगी के हालात व वाक़ियात, क्या होगा लकी नंबर, लकी डे, लकी जेमस्टोन और पामिस्ट्री की रोशनी में, तो आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और एक्यू टीवी के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। एक्यू जेमस्टोन्स, असली मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोरस्टेप पर। एक्यू जेमस्टोन्स, एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो अपने रब की नाफरमानी नहीं करता। तमाम अहले इस्लाम को, पाकिस्तान को, बहन भाइयों को, दोस्तों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारक हो। अपनों का, प्यारों का और उन सब का ख्याल रखिए जिनको आपकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी पर्सनल से हाज़िर हूँ। आज का दिन कैसा रहेगा आप लोगों की खिदमत में लेकर। नाज़रीन, जंजानी जंत्री 2022, बारह इमामिया जंत्री 2022, अलबरूनी तकवीम 2022 और रमा माह का शुमारा माहनामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप उसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी हार्ड कॉपी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि तमाम बुरूज और आज का दिन कैसा रहेगा। तीन मई 2022 मुफरद अदद बनता है 5, जिसका ताल्लुक है अतारत के साथ। देखते हैं कि मुमकिन तौर पर अतारत तमाम बुरूज पे क्या असरात मुरतब करेगा। बुरज हमल इरीज की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियली एतबार से बेहतर दिन, रिश्तेदारों से मुलाकात मतवक्को है। बुरज सौ टॉरस आज आपकी शख्सियत में निखार रहेगा, मतवक्को है सैर तफरी का प्लान बन जाए। बुरज जौज़ा जमनाए अखराजात में इजाफा रहेगा, फाइनेंशियली एतबार से चीज़ें डिस्टर्ब दिखाई देती हैं, तन्हाई का शिकार रहेंगे। बुरज सरतान कैंसर को एक दिन ना ख्वाहिश पूरी होगी, कारोबारी मामलात में मुनाफे का रुझान, दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। बुरज असद लियो मुस्तकबिल के लिए दुरुस्त फैसले करने का मौका मिलेगा, मुस्तकिल मिजाजी आज आपके मिजाज का हिस्सा है, आज आपकी शख्सियत को सराहा जाएगा। बुरज सुमला वर्गो नींद पुरसकून रहेगी, रूहानियत के शौक़ में इजाफा, बैरून मुल सफ़र के हवाले से मामलात में बेहतरी के इम्कान हैं। बुरज मैज़ान लिब्रा आज हादसात पेश आ सकते हैं, दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, मुश्किलात रहेंगी तमाम कामों में। बुरज अक्रब स्कॉर्पियो शरीक हयात का साथ दिखाई देता है, गैर शादीशुदा अफराद की बात तय पा सकती है, कहीं से पैसे आने की उम्मीद है। बुरज कौस सजिटेरियस अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, नौकरी की तलाश खत्म हो सकती है, कानूनी मामलों में पेचीदगी रहेगी। बुरज जद्दी कैप्रिकॉर्न जहनी दबाव उलझाव की कैफियत रहेगी, प्यार मोहब्बत के मामलों में आसानी के इम्कान नज़र आते हैं। बुरज दल्व एक्यूरियस ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख पर तवज्जो दिखाई देती है और कोई महंगी चीज़ खरीदने में कामयाब हो जाएंगे। बुरज हूत पाइसेस अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को है और जिम्मेदारी भी नज़र आती है, किसी गलत फहमी का शिकार भी हो सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।